तो आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम मिल्क। इसके लिए हमें चाहिए गुरबंदी बादाम, तो डालेंगे बस बस थोड़े कम कर मेरे, थोड़े से और, तो इतने बादाम काफ़ी रहेंगे सिंगल पर्सन के लिए। तो इनको हम थोड़ा सा भी पानी में निकाल लेते हैं, कुछ धूल मिट्टी अगर इसमें लगी हो तो इनको अब हम देसी तरीके से सिलबट्टे में कूटेंगे, पीसेंगे। तो ये हमने वॉश कर लिए बादाम, अब इसको हम देसी तरीके से पीसेंगे। हमारे पास कुंटी छोटा नहीं है तो हम सिलबट्टे में जिसे चटनी पीसी जाती है ना उस पर पीसेंगे। और याद रखना है इन बादामों को भिगोना नहीं है, सीधा पैकेट से निकालो एंड यूज, बिल्कुल बारीक कर लेना इनको। ये सबसे बेस्ट तरीका है बादाम पीसने का। इन बादामों में सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट होता है जो कि आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। बीच बीच में थोड़ा सूख जाए तो पानी डालते रहिए जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है बादामों की। इसमें और भी चीज़ आप डाल सकते हैं जैसे मगज के सीड, किशमिश, ठंडाई वगैरह भी बनती है, और बादाम भी पी सकते हैं। बिल्कुल बारीक चटनी बनानी है इसकी, और फिर आगे प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं कि क्या करना है इसमें। ये बिल्कुल देसी प्रोटीन डाइट है, अपने वर्कआउट के 30 मिनट के अंदर इसे आप लेंगे तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। ये हमेशा से बेस्ट ड्रिंक रही है भारतीय पहलवानों के लिए, इससे पूरे दिन चुस्ती फुर्ती बनी रहती है आपके शरीर में, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं रहता। ये आपके दिमाग को भी ठंडा रखता है। फिर तो आपको ऐसे खाली बर्तन ले लेना है, इसमें हम इसको छानेंगे। देखो बिल्कुल चटनी बराबर बारीक हो चुकी है, तो आपको ऐसी चीज नहीं लेनी। ये सिर्फ 12-15 बादामों का मिक्सचर है, इसको हम, ये हो गया कपड़ा, तो ये हो गया बर्तन, तो इसको ऐसे रख लेंगे इसको, और इसके बाद बादाम डाल के इसको छानेंगे। पानी से भी दिखाता हूँ आपको, वैसे तो आप कोई से बादाम ले सकते हैं पर गुरबंदी बादाम भी बताई जाती है। इस तरह जो बचा हुआ थोड़ा बहुत है उसको भी आप उसमें डाल दीजिए, और ये ज़्यादातर पानी के साथ लिया जाता है ना कि दूध के साथ। आगे तो कुछ खाते हैं उसको कैसे छिलेगा ये। तो अब इसको हमने कपड़े में डाल लिया है, और इसकी एक पोटली बना लेनी है, और इस मिक्सचर से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल। अब ये बादाम छिलके बना रहेंगे वो अंदर ही जाएंगे, एक आदमी आराम से खा सकता है हल्की देर की उसको, ठीक है। जब तक कलर आ रहा है इसका लाइट ब्राउन तब तक आपको करते रहना। Thank you.
कर रहा हूँ आपसे। हाँ भैया आरफ, क्या बात है? हेलो बोलो आरफ। ये बच्चा बिल्कुल नहीं दिखता, मुझे छोड़ के घर में कोई नहीं दिखता, मुझे इनको चाहिए थी टेस्ट। जब तक कलर ट्रांसफर मतलब पानी बिल्कुल नहीं निकल रही है तब तक आपको सब्जेक्ट करते रहने हैं। ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है, अब कुछ भी नहीं, आपको मुश्किल से 10 मिनट लगे। को बादाम रगड़ा या बादाम ड्रिंक या बादाम वाटर, बहुत तरह के नाम से बुलाया जाता है। इसको आराम से अपनी चटनी बना सकते हैं। और फिर अंदर रह जाएंगे इसमें तो छूटे। देखो अब बिल्कुल पानी का निकल जाता है, बिल्कुल ही हो चुका है। इसको ओपन करेंगे, रेसिड्यू बच गया। इसको आप सब भी कर सकते हो, फेंक सकते हो, किसी काम का नहीं है। सारा बिक गया, अब ये बन गया है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी है। अब इसको हमें थोड़ा सा घोटना है। घोटना मतलब थोड़ा सा 3-4 बार करेंगे, सारा मिक्स हो जाएगा। तो किसको मीठा पीना है, किसी को कैसा पीना है, तो चीनी गुड़ शक्कर तो चाय शहद एक ग्लास करीब बन गए बादाम मिल्क 10-12 बादाम से। ये आपके लिए काफ़ी हेल्दी पौष्टिक और रिफ्रेशिंग रहेगा, इससे आपको पूरी थकान वगैरह फुल हो जाएगी। वर्कआउट के बाद पियोगे फुल ऑफ एनर्जी, ये ग्लास एक फुल ऑफ एनर्जी है। और जिसको भी थोड़ा बहुत एलर्जी हो मिल्क से वगैरह से तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बताए